तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो देखते हैं, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग, ठीक है। रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है, समझ रहे हैं। दो चीज़ों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, जब वो कॉन्टैक्ट में होते हैं तो, ठीक। डोंट से दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, ठीक है, से फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग। स्लिपिंग से रोकता है, कोशिश करता है रोकने की कि दो चीज़ें आपस में स्लिप ना करें। अगला पॉइंट कहता है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस फ्रिक्शनल फोर्स, है फ्रिक्शन प्रॉपर्टी है और उसके वजह से एक फोर्स आता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं F, ठीक। तीसरा पॉइंट है बाय द नेचर फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जो नेचर में चार तरह के फोर्सेज हम डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला फोर्स आता है हमारा जो सबसे कॉमन और सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, ठीक है, वीक फोर्सेज जिसको कहते हैं, है ना। उसके ऊपर आता है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है और उसके ऊपर आता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फ्रिक्शन का कॉज क्या है, जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में स्लिप करती हैं उनके बीच में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन होता है वो मेन कारण है फ्रिक्शन का, ठीक। इसके अलावा मैकेनिकल रीज़न ये भी है कि जो दो सर्फेसेस होते हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, जो रफनेस होती है, हैं जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेस में, एक दूसरे में अटक जाती हैं, ठीक है, तो इंटरलॉक हो जाती है। क्योंकि सरफेस अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं इस तरह से, तो इंटरलॉकिंग से एक दूसरे में फंस जाती हैं, तो इसका भी ये भी फ्रिक्शन का कारण होती है। सो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एज वेल एज इंटरलॉकिंग्स बिटवीन द सर्फेसेज जो है, इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सर्फेसेज, दैट इज़ द रीज़न ऑफ फ्रिक्शन। अगला पॉइंट है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस, कॉल्ड टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए इसको टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल लगता है। टेंजेंशियल माने पैरेलल, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर खींच रहे हैं आप, है ना। तो अगर आप इधर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट वन की टेंडेंसी ऑब्जेक्ट टू के रेस्पेक्ट में स्लिप करने की किधर है, बताइए, आगे की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वहाँ का फ्रिक्शन वन के ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, वो रोकना चाहेगा इसको, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखलाते हैं, वो स्लिपिंग को रोकना चाहेगा, ठीक, वो स्लिपिंग को क्या करना चाहेगा। तो देखिए पैरेलल टू सरफेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और यही फ्रिक्शन सेम टू सेम फोर्स इस पे लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि टू की स्लिपिंग की टेंडेंसी वन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगी। सोचिए आप वन ब्लॉक पे बैठे हुए हैं तो आपको वन ब्लॉक टू के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप करने की कोशिश करते हुए दिखेगा, और अगर वन टू के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है टू वन के रेस्पेक्ट में पीछे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा एट दिस कॉन्टैक्ट सर्फेस। तो एक ही कॉन्टैक्ट सर्फेस पे दो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। बोलिए मामला समझ में आ गया। एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस, सेम कॉन्टैक्ट सरफेस पे, कॉन्टैक्ट सरफेस एक है मतलब दो चीज़ें हो गई ना वहाँ पे, ठीक। तो उन दोनों पे फ्रिक्शन जो होगा पहले तो टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा, दूसरा इक्वल लगेगा मैग्नीट्यूड में, और तीसरा दोनों के ऊपर डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। इतनी बात समझ में आती है इससे, समझ में आ गई बात। देखिए मैं बता रहा था कि द कॉन्टैक्ट सर्फेस एफ इज इक्वल एंड अपोजिट ऑन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, जो मैंने डायग्राम अभी आपको बनाया है, दिखाया है। अब यहाँ कुछ डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो सकती है। तो ये पहला वाला डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में गौर कीजिए जरा, इसकी स्लिपिंग की स्लिपिंग हो रही है, इनफैक्ट ग्रीन जो है वो सर्फेस दिखला रहा है, स्लिपिंग राइट की तरफ हो रही है, तो इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल है, टेंजेंशियल है। तो एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन हो गया, एक और कॉन्टैक्ट फोर्स हम पहले से जानते हैं जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो कुल मिला के दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अगर आपको निकालना है तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, पैरेललोग्राम लगा के हमने निकाला है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या ही लगेगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सर्फेस है, एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट सर्फेस है, तो इनका रिजल्टेंट लीजिएगा तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने बोला, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस से रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे, और रिजल्टेंट जो होगी दैट विल बी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ भी देखिए इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी इधर नीचे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन जो होगा इधर लग जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लग जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर हो जाएगा, आर की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एन होता है, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट होता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम आर से दिखला रहे हैं। इसी तरह ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दीवार में ऐसे प्रेस करके रखा गया है। अब दीवार में अगर थोड़ी भी अगर आप इस फोर्स को ढीली करेंगे तो क्या होगा बताइए, नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, हाँ है ना, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इतना आ जाएगा। तो क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ में आया हमें, क्या रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हमें समझ में आया, फ्रिक्शन को कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट का होना कौन सुनिश्चित करता है, कॉन्टैक्ट का होना सुनिश्चित करता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स है यानी फ्रिक्शन, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज देयर और नॉट, स्लिपिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है, उससे फ्रिक्शन का जन्म होता है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट है तो एक चीज़ कंपलसरी होगी, वो होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में है तो मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर हो सकता है, हाँ है ना, और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब मैक्सिमम नहीं कहिए, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तब आपका कॉन्टैक्ट फोर्स इतना होगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो यहाँ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें लिखनी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, समझ में आई बात। तो कॉन्टैक्ट अगर है तो कम से कम कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर ज़रूर होगा। देखिए फिर से डायग्राम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को दिखलाने के लिए बनाया गया है। ब्लॉक वन आपको दिख रहा है, ब्लॉक वन पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बताइए ब्लॉक वन के स्लिपिंग की टेंडेंसी ब्लॉक टू के रिस्पेक्ट में किधर है, आगे की तरफ है, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, और अगर ब्लॉक वन की टेंडेंसी स्लिपिंग की आगे की तरफ है तो ब्लॉक टू की टेंडेंसी स्लिपिंग, तो उस पर फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है। तो कॉन्टैक्ट सर्फेस वन पे आप देखें अगर गौर करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल है मतलब वैल्यू सेम है। अब अजय दूसरा कॉन्टैक्ट बन रहा है ग्राउंड के साथ, अगर ये फ्रिक्शन इस पर ब्लॉक टू पे आगे लग रहा है तो ये ब्लॉक टू को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा ब्लॉक वन के साथ कि ये स्लिप ना करे, तो इस पर ग्राउंड का फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए, पीछे लगेगा। बोलिए समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब अजय सेकंड डायग्राम को देखिए, सेकंड डायग्राम को गौर से देखिए, बताइए इसमें एक्सटर्नल फोर्स आप किस पे लगा रहे हैं, आप नीचे वाले पे लगा रहे हैं, तो नीचे वाला वन के रेस्पेक्ट में भी आगे स्लिप करने की कोशिश करेगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आगे स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों ही कॉन्टैक्ट सर्फेस का फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा बताइए, पीछे की तरफ लगेगा। इसीलिए सर्फेस वन यानी ऊपर वाले सर्फेस का फ्रिक्शन और ब्लॉक वन पे किधर लगेगा बताइए, आगे की तरफ लगेगा, और इसके साथ लेके जाने की कोशिश करेगा ब्लॉक वन को, ब्लॉक वन को ब्लॉक टू के रेस्पेक्ट के साथ जाने लेके जाने की कोशिश करेगा, कौन, ये वाला फ्रिक्शन, कि स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग की कोशिश फ्रिक्शन की कोशिश हमेशा ये होती है कि स्लिपिंग ना हो, समझ में आ रही है बात। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे पक्का, हमेशा टेंजेंशियल टू सरफेस लगेगा, ध्यान रखें। सो नेवर से दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन नहीं, फ्रिक्शन अपोजेज स्लिपिंग, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी ब्रॉडर व्यू लेते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं जाते हैं तो फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है और मोशन के भी इंडिपेंडेंट होता है। आपकी स्लिपिंग कितनी वेलोसिटी से हो रही है इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं, आपने कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है आपका जमीन के साथ, इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के इंडिपेंडेंट। नो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड पाथ। तो मान लीजिए कि आप एक ब्लॉक आपके पास है, आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आपने आर रेडियस के सर्किल में एक चक्कर पूरा घुमाया, आर रेडियस के सर्किल में एक चक्कर पूरा घुमाया, ठीक, रफ सरफेस पे हैं। और मान लीजिए आपको फ्रिक्शन फोर्स मैंने दे दिया कि फ्रिक्शन फोर्स लगातार उस पर एफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आप जीरो मत बोल दीजिए एक चक्कर घुमाने में कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, यहाँ क्या लेते हैं, तो आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या बोलिएगा बताइए, आप बोलिएगा एफ इंटू टू पाई आर विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि आप जाएंगे इधर और फ्रिक्शन करेगा अपोज, तो 180 डिग्री पे हो जाएगा ना, तो कॉस 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन के केस में डिस्टेंस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, रीजन बींग इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझ में आ रही है बात। ये डिसिपेटिव फोर्स है, हीट डिसिपेट करेगा पे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। आप समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन समझने के लिए आपको पहले टेंजेंशियल फोर्स समझना पड़ेगा कि टेंजेंशियल फोर्स किसको कहा जाता है।
देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो तब लगता है जब एक्चुअली वहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही हो लेकिन इम्पेंडिंग मोशन हो, ठीक है, यानी स्लिपिंग की टेंडेंसी बन रही हो। जैसे मान लीजिए आप एक स्लोप पे खड़े हैं, आप स्लिप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप खड़े हैं, तो आपकी स्लिपिंग की टेंडेंसी बन रही है, आपके जूतों और ज़मीन के बीच में सफिशियंट फ्रिक्शन है जो आपको रोक के रखे हुए हैं, लेकिन आपकी स्लिपिंग की टेंडेंसी डाउन द प्लेन बन रही है, तो उस केस में अप द प्लेन आपको फ्रिक्शन स्टैटिक मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? इम्पेंडिंग मोशन का मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो जाती, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले हमें टेंजेंशियल फोर्स को समझना पड़ेगा। देखिए एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाया मैंने, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बट एक्चुअली देयर इज नो स्लिपिंग। इम्पेंडिंग मोशन है लेकिन स्लिपिंग नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली, है कि नहीं, कि एक ब्लॉक है, इसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, आया ना, अभी दूसरे ब्लॉक को आप खींच के ले जा रहे हैं आगे, किताब के ऊपर किताब रख दीजिए, नीचे वाले किताब पे फोर्स लगाइए ऐसे, है ना, तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है बताइए? ऑब्वियसली स्टैटिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही। लेकिन आप ये कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट, तो गलत है ना, रेस्ट में थोड़ी है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, ये साथ साथ जा रहा है उसके, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है। सो डोंट से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन देयर इज नो मोशन और देयर इज रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज इम्पेंडिंग मोशन, देयर इज नो स्लिपिंग बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, राइट। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज एक्चुअल मोशन स्लिपिंग, व्हेन देयर इज एक्चुअल स्लिपिंग, जब वहाँ स्लिपिंग हो रही हो तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो दोनों फ्रिक्शन कब कब लगते हैं ये बात समझ में आ गई? अब दोनों का वैल्यू जानना है, वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टेंजेंशियल फोर्स। अब देखिए टेंजेंशियल फोर्स को मैं बोलता हूँ स्लिपिंग फोर्स, स्लिपिंग फोर्स क्यों बोलता हूँ? क्योंकि स्लिप कराने की कोशिश करता है, तो मेरा अपना जो नोमेनक्लेचर है यहाँ पे वहाँ मैंने इसको रखा है स्लिपिंग फोर्स बोल के मैं दिखलाऊंगा, ठीक। किताबों में इसको टेंजेंशियल फोर्स से दिखलाया जाएगा, है FT इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक। होता क्या है ये? तो देखिए सरफेस के पैरेलल मतलब जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं भांति भांति प्रकार के अलग अलग डायरेक्शन से, उनमें फ्रिक्शन को शामिल मत कीजिए, खाली फ्रिक्शन को छोड़ दीजिए पहले, बाकी जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट ले लीजिए और उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। सरफेस के पैरेलल क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस ट्राइंग टू स्लिप द ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फ्रिक्शन, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज पैरल टू द सर्फेस ट्राइंग टू स्लिप द बॉडी एक्सेप्ट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। अब मैं आपको जरा समझा दूँ, ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये ब्लॉक एक प्लेन में रखा हुआ है, इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन से देखिए ऐसे 3 न्यूटन का फोर्स दिखाया गया आपको, हाँ है ना, और जो दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है वो लग रहा है एक्स एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ 60 डिग्री का एंगल बना के 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। अब हमें स्लिपिंग फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा बताइए? हमें सबसे पहले 8 न्यूटन का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट लेना होगा, तो 8 न्यूटन के होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये जो पहला कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में बताइए? नहीं नहीं नहीं, ठीक से बताओ, वाई एक्सिस कैसे है? वाई तो ये है, जेड ये है, ये थ्री डायमेंशन एक्स ये है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस तरह से फोर्स लग रहा है। अब बताइए सरफेस के पैरेलल कौन कौन से फोर्स हैं, ये समझाइए मेरे को। सरफेस के पैरेलल 3 न्यूटन सरफेस के पैरेलल है, और 8 न्यूटन साइन 60 पैरल होगा, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पैरल होगा कि ये पैरल होगा? ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पहला वाला ऊपर वाला? तो ये पैरल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ये पैरल है कि परपेंडिकुलर है? तो ये लेंगे तो क्या लेंगे? तो सोच समझ के बोलो, तो ये 4 हो गया। अब सरफेस के पैरल हो गए दो फोर्सेस, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 90 डिग्री पे है दोनों, बताइए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का क्या रिजल्टेंट होगा अगर 90 डिग्री पे है? तो 5 न्यूटन होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लगेगा, दिखा रहा हूँ अभी। ये आपका जो है
इन दोनों का पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट लीजिएगा, है ना, अलग करके आगे बढ़ा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसी में दिखा रहा हूँ आपको। ये दोनों का पैरेललोग्राम बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इनका जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, अरे ये बात समझ में। ये देखिए इन दोनों से बनने वाला पैरेललोग्राम बना दिया। अब ये डार्क ग्रीन कलर का आपको फोर्स दिख रहा है, ये हो जाएगा कितना न्यूटन का फोर्स, ये हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स, और यही इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बोले समझ में आ गई बात। तो अब बताइए यहाँ पे स्लिपिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कितना हुआ, 5 न्यूटन हुआ, कितना हुआ 5 न्यूटन हुआ, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए इस ब्लॉक का मास जो है वो 2 kg है, ये जो 8 sin 60 वाला आपने फोर्स लिखा है, इस फोर्स की वैल्यू हो गई 4√3, रूट तीन को 1.7 पुट कर देंगे तो लगभग ये हो जाएगा 6.8 न्यूटन के आसपास, ठीक है, नहीं 5.2 हो जाएगा, 17 चौके 68 ना जी, सॉरी 13 ले रहा हूँ, हाँ 6.8 हो जाएगा, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। तो अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस बात करें तो बताइए ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स है। एक तो इसका वेट होगा जो होगा 20 न्यूटन, दूसरा कौन सा फोर्स होगा 6.8, अच्छा और कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, यही पढ़ा रहा हूँ मैं, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब विचित्र हालत है भाई साहब, देख लीजिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा, व्हाट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हियर, 26.8, बोली समझ में आया। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाएगा आप ऊपर से पुश करते हैं, तो इसीलिए पुश करना मुश्किल होता है पुल करने से, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो वाई पुलिंग इज ईजियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो आप कैसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो इसका एक कॉम्पोनेंट किधर जाएगा बताइए, ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, कम करेगा कि बढ़ाएगा, अच्छा ये एक फोर्स ऊपर चला जाएगा तो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ाएगा, कम करेगा क्योंकि नॉर्मल नीचे लगेगा, ठीक है, तो नॉर्मल को कम करेगा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन भी कम करेगा। और अगर यही चीज़ हम ऐसे पुश कर रहे हैं इनक्लाइंड वे में ऐसे, तो इसका एक कॉम्पोनेंट फोर्स का नीचे की तरफ लगेगा, तो ये उल्टा नॉर्मल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सो इसीलिए पुलिंग इज इजियर, इंक्लाइंड रस्सी से पुल करना इजी है कंपेयर टू उसको पुश करना, समझ में आ रही है बात। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलता है समझ में आ गया, टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकलता है समझ में आ गया है, तो इस फोर्स को, ठीक है, क्या बताइए एफटी का मतलब, मैंने क्या समझाया, स्लिपिंग फोर्स किसको समझाया मैंने, टेंजेंशियल फोर्स होता है, क्या करते हैं उसको निकालने के लिए, सरफेस के पैरेलल जितने फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्ट निकालते हैं, उसमें फ्रिक्शन शामिल होता है कि नहीं होता, नहीं होता। फ्रिक्शन शामिल नहीं होता, पुलिंग इजीयर है पुशिंग से, क्यों एक्सप्लेन, पुलिंग के केस में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिपेंड करता है। अरे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या दिखाता है, कितनी बुरी तरह से आप कॉन्टैक्ट में है, कितना सशक्तता से आप कॉन्टैक्ट में है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कम होना मतलब कॉन्टैक्ट का कम होना, ढीली कॉन्टैक्ट होना, लूज कॉन्टैक्ट होना, तो लूज कॉन्टैक्ट होने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ऊपर लगेगा, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के विरोध में लग रहा है तो इसको कम करेगा, इसमें इसी फोर्स का एक कॉम्पोनेंट नीचे लगेगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को और सशक्त करेगा, तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा इस केस में। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो देखिए फ्रिक्शन का टेंजेंशियल फोर्स के साथ ग्राफ बनाया गया है, गौर करिए, एक्स एक्सिस पे किसको दिखला रहे हैं, स्लिपिंग फोर्स को, जिसको हम स्लिपिंग फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, वाई एक्सिस पे किसको दिखला रहे हैं, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। थोड़ी देर तक ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे। सवाल ये उठता है 45 डिग्री पे क्यों, 45 डिग्री पे इसलिए क्योंकि जब तक एक्चुअल स्लिपिंग शुरू नहीं होगी तब तक आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एग्जैक्टली बराबर होगा टेंजेंशियल फोर्स के और स्लिपिंग को नहीं होने देगा।
इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के अनुसार अपने वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो ये कि भाई जो भी आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा उसके ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सीधा सीधा टेंजेंशियल फोर्स को अपोज करेगा जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही। तो 45 डिग्री इसलिए क्योंकि 45 डिग्री पे ये वाला और ये वाला लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पहला ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, ग्राफ का पहला हिस्सा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे हिस्से में इस पॉइंट तक समझिए कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इस पूरे हिस्से में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, उसको क्या कहते हैं बताइए, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। बोलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू समझ में आया? जब इससे बियॉन्ड आप टेंजेंशियल फोर्स को बढ़ाएंगे तो अचानक आपको दिखेगा कि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया। ये जो थोड़ा सा कम होता है ये क्यों होता है, जो इंटरलॉकिंग्स होती हैं टूट जाती हैं, ठीक, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन उसके बाद आपका फ्रिक्शन मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा वैल्यू में। उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? और एक काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगता रहता है जब तक कि स्लिपिंग होती रहे। इसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्लिपिंग एक्सेलरेशन से हो रहा है, कि रिटार्डेशन से हो रहा है, कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये तब तक कांस्टेंटली लगता रहेगा, सेम वैल्यू में लगता रहेगा जब तक कि वो स्लिपिंग वापस रुक ना जाए, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसिस, ठीक है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इसी में एक और एक्सप्रेशन की डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट होगा जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपके स्लिपिंग को रोकेगा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन रोक ना पाएगा। तो ये जो पॉइंट है इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बताइए, सबसे ज्यादा। स्टैटिक फ्रिक्शन की इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है कि कोई सरफेस ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर पाएगा, ठीक, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं मिल सकता, उसके बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का उपयोग कब करना है इस बात को समझिए। एक आपको ये उपयोग ये बात सोच के करनी है कि अगर आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, तब ही स्लिपिंग होगी, नहीं तो स्लिपिंग संभव नहीं है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या इवन बराबर है तो ये स्लिपिंग नहीं होगी। बोली समझ में आ रहा है, स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक। तो पहला काम इसका है कि टेंजेंशियल फोर्स के साथ कंपेयर करके ये पता लगाना कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, सच दैट हम सही फ्रिक्शन का फॉर्मूला चुन पाएं। याद रखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग। क्या कहते हैं? स्लिपिंग का कगार। ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिपिंग के कगार पे पहुंच गया, अबाउट टू स्लिप है बिल्कुल, अब किया नहीं है लेकिन अब स्लिप कर जाएगा, थोड़ा भी फोर्स का इंबैलेंस बनेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लगता है उसको कहते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन जिस जोन में लगता है उस पूरे जोन को कहते हैं नो स्लिपिंग, उसको क्या कहते हैं, नो स्लिपिंग। तो स्ट्रेट लाइन सेक्शन जो है पहला वाला इंक्लाइंड वाला, ये नो स्लिपिंग जोन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जिस जोन में लगता है उसको हम कहते हैं स्लिपिंग जोन। तो तीन जोन हो गए जिसमें तीनों फ्रिक्शन एक्ट करते हैं। तीन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन दो ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग होती है। अब इस पूरे ग्राफ को आप गौर से देखिए, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन
काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन पूछ रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या स्टैटिक नहीं है? है क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होता? तो वहाँ स्टैटिक बड़ा नहीं हो गया काइनेटिक से? क्या आंसर होगा इसका? इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी लेस देन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू काइनेटिक के बराबर भी हो सकती है, काइनेटिक से बड़ी भी हो सकती है, काइनेटिक से कम भी हो सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जो फ्रिक्शन लग रहा है सारा स्टैटिक है। तो आपको दिख रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से इसको को इसने क्रॉस भी कर लिया वैल्यू में। बोलिए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम ये देखना है कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। एक बार स्लिपिंग शुरू हो जाए ना तो कौन सा फ्रिक्शन लगने लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद आपके टेंजेंशियल फोर्स आपका है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, स्लिपिंग है कि नहीं है। जब तक स्लिपिंग सर्वाइव करेगा फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम स्लिपिंग को रोकना होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लिपिंग मेंटेन करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। स्लिपिंग तो तब तक एक बार धक्का देके वेलोसिटी बना के छोड़ दीजिए, आप फोर्स हटा ही लीजिए तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आपके हटाते ही थोड़ी रुक जाएगा वो, स्लिपिंग तो चलती रहेगी। अब उसको उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो रिटार्डेशन पैदा करेगा, वो उसको रोकेगा, तब तक काइनेटिक ही लगेगा। मोशन को बनाए रखने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन लगाने की जरूरत, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मोशन को स्टार्ट करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, स्लिपिंग को स्टार्ट करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल अपोजिट होती है, बता दिया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, बता दिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक स्लिपिंग ठीक है ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनके फॉर्मूले क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यूएस इंटू एन और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। म्यूएस क्या है? म्यूएस है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कहते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन एक्चुअली होता है कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए किसी कोफिशियंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो टेंजेंशियल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट होता है, समझा चुका हूँ। कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी अगेन इट इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाई म्यू के। ये दोनों के दोनों कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन उन दो सर्फेसेस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है। तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लकड़ी का नहीं होगा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लकड़ी और सीमेंट का हो सकता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लेदर और सीमेंट के बीच का हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ सरफेस, नॉट फॉर अ सिंगल सरफेस। ठीक, म्यूस और म्यू के दोनों पेयर ऑफ सरफेस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। म्यूस म्यू के से ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में खाली एक म्यू दिया हुआ है तो आप उसी को म्यूएस भी मान के चलेंगे और उसी को म्यू के भी मान के चलेंगे। याद रखिए मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया और काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए पुशिंग और पुलिंग में पुशिंग मुश्किल होता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बताइए? बढ़ जाता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो पुश करने में मेहनत आपको ज़्यादा पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब कौन किसके विरुद्ध लगता है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो एफएस का तो डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं, तो टेंजेंशियल फोर्स के अपोजिट लगेगा। जो भी आपका इंपेंडिंग मोशन करवाने वाला फोर्स है, जो स्लिपिंग फोर्स है, उसके विरुद्ध में लगेगा ये। दूसरा सवाल है काइनेटिक फ्रिक्शन की दिशा किधर होगी, तो भाई स्लिपिंग के अपोजिट होगी, उसमें फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ म्यूएस और म्यूके में ज़्यादा कौन होता है? ऑब्वियसली म्यूएस ज़्यादा। याद रखिए म्यूएस इंटू एन कहते हैं, कोफिशियंट स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए लेवल वन प्रॉब्लम को डील करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं फ्रिक्शन में, ठीक, बेसिक थ्योरी यहाँ ख़त्म हो जाती है।
इतनी ही है बेसिक थ्योरी, बाकी सब जो है डेरिवेबल्स हैं यहाँ से जो आएंगे। एक प्रॉब्लम वो होगा जिसमें हमें पता है कि इधर स्लिपिंग हो रही है और इधर फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसे 90% क्वेश्चंस होते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको पता ही नहीं चलेगा कि अभी स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, बस पता करना पड़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। अगर स्लिपिंग सर्टेन नहीं है, देखिए अगर स्लिपिंग सर्टेन है मतलब पक्का है, दिख रहा है क्वेश्चन में कि स्लिपिंग हो रही है, तब तो प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं F1 F4 में, ये भी पुलिंग है, ये भी पुशिंग है, लेकिन ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो इनकी वैल्यू आप खींचने में यूज़ कीजिए, जस्ट ड्रैग करना है आपको ब्लॉक को। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक को जस्ट जस्ट स्लिप करवाना है, तो उनके लिए इन चार तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो किस में मेहनत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, किस में सबसे मेहनत कम पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा किस में पड़ेगी, जिसमें आप इंक्लाइंड पुशिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बढ़ा देगा। और सबसे कम जो पड़ेगी वो पड़ेगी F2 में, इंक्लाइंड पुलिंग में, और बीच की वैल्यू होगी इन दोनों की। इन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है कि आप पुल कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली ये काम कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, शुरू हो जाइए। आपको पता है कि इसमें स्लिपिंग हो रही है, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो बताइए यहाँ पे कितना लगेगा। यहाँ लगेगा 20 न्यूटन वेट, इसके साथ यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो भी 20 न्यूटन होगा, N2 लिखते हैं 20 न्यूटन। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये 20 न्यूटन है तो बताइए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली काइनेटिक लग रहा होगा, स्लिपिंग हो रही है, तो म्यू इनटू एन होता है, म्यू एक ही दिया होगा, तो 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा बताइए? 2 न्यूटन आएगा। अरे बोलो भाई। और एक टेंशन आपको दिखाई दिया गया इधर जो आपको निकालना है, ठीक, एक्सेलरेशन ए माना गया है। अब इस पर आ जाइए, इस पर लगेगा mg, तो ये हो गया 10 न्यूटन। यहाँ कोई फ्रिक्शन विक्शन का चक्कर है नहीं, टेंशन दिखाई दिया हमने। अब 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बोलिए क्या आएगा? 10 - t 1 into a। और सेकंड वाले का बोलिए, t - 2 = 2 into a। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 8 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, है कि नहीं? एक्सेलरेशन आपके आ गया 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो 8/3 डालिएगा तो 16/3 + 2 हो जाएगा, 24/3 आएगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए। t = कितना आएगा? 2 a का मतलब हो गया 16/3, नहीं जी? तो 22/3 जो है वो आपका टेंशन आ जाएगा। इसमें हमें पता था तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एक और नया फोर्स आ गया हमारे सामने, हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक। इंक्लाइन प्लेन पे आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तकलीफ वहाँ होगी जहाँ हमें पता ही नहीं है कि स्लिप करेगा, ठीक, वहाँ पे क्या होगा ये समझना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना। सबसे पहले काम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? उसके बाद नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे। जल्दी जल्दी सुनिएगा मेरी बात, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे, उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। निकालना आ गया टेंजेंशियल फोर्स, स्लिपिंग फोर्स निकालना आ गया सबको। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे म्यूस इन टू एन करके, टेंजेंशियल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स को कंपेयर करेंगे। टेंजेंशियल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? अगर टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर भी है तो स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग होने के लिए टेंजेंशियल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा, पहले ही बता चुका हूं। तो अगर ये कम होगा तो स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी तो एक्सेलरेशन स्लिपिंग का जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, अगर खाली एक ब्लॉक सर्फेस पर रखा हुआ है तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताइए? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी टेंजेंशियल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट, टेंजेंशियल फोर्स आपने निकाल रखा उसके बराबर लिख दीजिए, उसके अपोजिट, ठीक है। और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स n² + ft² के बराबर आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन हमारा टेंजेंशियल फोर्स के बराबर है। अरे भैया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना पढ़ाया था? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। और फ्रिक्शन किसके बराबर लग रहा है? टेंजेंशियल फोर्स के बराबर लग रहा है। अब आ जाइए, अगर FTFL से ज्यादा आ गया तो स्लिपिंग होगी, तब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है ब्लॉक का,
और वहाँ आपने चेक कर लिया और आपका लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा आ रहा है टेंजेंशियल फोर्स, तो आप टेंजेंशियल फोर्स जो स्लिप करा रहा है उसको लीजिए, उसमें से काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस कीजिए, नेट फोर्स निकल जाएगा, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अरे भैया नेट फोर्स बाई मास कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए लिखा, एम से डिवाइड कर दिया, ये निकल गया। ठीक है, उसमें नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ के स्क्वायर करके आएगा। एफ के की वैल्यू कितनी है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ के, अभी कितना बताया आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, तो यहाँ म्यू के इनटू एन पुट कर दीजिए, म्यू के इनटू एन पुट कीजिएगा तो एन कॉमन निकल जाएगा, अंदर में ये आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, एक दीवार दिख रहा है, दीवार पे एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक, ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ, 0.5 केजी दिया हुआ, और ब्लॉक को दीवार पे दबा के पकड़ा हुआ है हमने, कितना फोर्स लगा के, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दिया हुआ, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाले, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दिया मतलब नेट पूछ रहा है आपसे। आइए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो एक तो बना दिया इसका वेट, वेट जो हो गया वो हो गया कितना बताइए, कितना हुआ, 5 न्यूटन हो गया, ठीक, और बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एफ तो लग ही रहा है, एन ऊपर की तरफ, अच्छा ऐसे बना दूं एन, आर यू श्योर, नहीं फ्रिक्शन, मैं पहले पूछ रहा हूं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, कॉन्टैक्ट तुमको कहां दिख रहा है भाई, हवा में झूल रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा सरफेस है भैया जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, अजीब बात कर रहे हो, ये हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अब बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, किधर लगेगा फ्रिक्शन, स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है इसकी, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा है, हम खाली ये जानते हैं फ्रिक्शन किधर लगेगा। स्टेप नंबर वन एफडी हो गया, स्टेप नंबर टू क्या था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ कितना होगा, जोर से बोलो, 12 न्यूटन, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड बताना है खाली, कोई वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख रहा कि माइनस 12 प्लस 12 बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, अतः एक्स डायरेक्शन के दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन 12 हो गया। अगला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, क्या अगला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस एन होगा, बिल्कुल ठीक, बताओ कितना होगा, हाँ एन हो गया 12, जीरो पॉइंट सिक्स इंटू 12, ये हो गया 7.2 न्यूटन हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल फोर्स क्या है जो स्लिप कराने की कोशिश कर रहा है, यानी स्लिपिंग फोर्स, जिसको हम स्लिपिंग फोर्स कहते थे, एम जी है, वेट है, बिल्कुल सही जवाब, सही है, और कोई फोर्स टेंजेंशियल टू सरफेस नहीं लग रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए, बताइए टेंजेंशियल फोर्स बड़ा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है, टेंजेंशियल फोर्स कम पड़ गया, वीक पड़ गया, क्या स्लिपिंग होगी, नहीं होगी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, पता चल गया स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिख दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अपोजिट ऑफ टेंजेंशियल, वैल्यू तो किसके बराबर होती है, टेंजेंशियल फोर्स के, अभी पढ़ाया था स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल अपोजिट टू टेंजेंशियल फोर्स, व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स, -5 हो जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस कहाँ से आ जाता है तुम लोग का, हो तो गया डायरेक्शन ऑपोजिट बना तो दिया, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं भाई, वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख रहे कि माइनस फीड करना है वहाँ पे, क्या जाहिलो जैसी बात करते हो तुम लोग यार, मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, हाँ कितना हुआ, 12 कैसे है, टेंजेंशियल फोर्स कितना है, 5 है, 0.5 वजन है उसका, वेट इतना है, 5 मास 0.5 केजी है, सबके फंडे हिले हुए भाई साहब। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, 5, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा बताइए, 12 और 5, इन दोनों का रिजल्टेंट करिए, बताइए जल्दी बताइए, 4 प्लस 1.5, 1.4, 1.4, 169, ठीक है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा ना, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो आर आएगा वो 13 न्यूटन आ जाएगा, जो भी सॉल्व किया आपने, देखिए यहाँ सॉल्व किया है खाली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आया, देखिए समझिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है,
अब आप FBD देखिए, हमने हमें पता नहीं है कि एक्सेलरेशन की जरूरत, क्वेश्चन ने कह दिया टेंशन और एक्सेलरेशन निकालो, हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन की जरूरत, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले मैंने क्या माना कि 3 kg नीचे जाएगा और 2 kg से ऊपर जाएगा, और इसके हिसाब से मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस ले ली, समझ में आ रही है बात, इसके हिसाब से मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ले ली, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ले लिया, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ले लिया, कैलकुलेट किया, FBD बनाए, इक्वेशन लिखे, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब आमतौर पर लॉज ऑफ मोशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन आता था तो हम क्या करते थे, हम रिवर्स करके आंसर वही लिख देते थे जब फ्रिक्शन नहीं होता था। अब ये सुविधा नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्सेलरेशन गलत चुना है मतलब आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी गलत चुना है, तो आपको रीडू करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो फिर मैंने उल्टा काम किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम क्यों है समझा रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैंने इसको नीचे मान लिया, इसको ऊपर मान लिया। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 kg हल्का है, लेकिन इसका एंगल तो ज़्यादा है, कर सकता है स्लाइड, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो कम है, कर सकता है स्लाइड, है कि नहीं। तो मैंने ऐसे लेके निकाला, फिर से मैंने नई FBD बनाई, इस बार मैंने इस पर फ्रिक्शन इधर लिया और इस पर फ्रिक्शन मैंने इधर लिया, हाँ है ना, बाकी फोर्सेस जैसे बनाने थे वैसे ही बनाए, मेरा एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव आ गया। अब इससे क्या प्रमाणित हुआ, क्या स्लिपिंग नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में है क्वेश्चन, तो यहाँ जो भी फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक लगेगा, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, आई बात समझ में है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, इसलिए फाइनल आंसर तक हम इस क्वेश्चन में नहीं पहुंच पाए, ठीक। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, 20 N लगा रहे हैं, 37 degree पे लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स है, म्यूएस में कोई दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, रेडी। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, पहले बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए अच्छे से देखिए, 20 के दो कंपोनेंट लिए, 20 sin 37 ऊपर, sin 37 3/5 होता है, 3/5 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई 12 N, सही है, 12 N आ गई भाई साहब, ये बात ठीक है। चलिए 20 cos 37 16 हो गया, वेट बना दिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आगे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन पीछे ले लिया, कौन सा लगेगा पता नहीं है अभी, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, चलिए बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा इसमें, 12 ऊपर, एन भी ऊपर और 20 नीचे, और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, 8 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, सोचिए अगर 12 नहीं होता तो 20 होता, तो इसने नॉर्मल को कम किया ना, अरे किया कि नहीं किया, अब बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यूएस इनटू एन 0.6 मल्टीप्लाइड बाई क्या किया हमने, 8 कर दिया, 4.8 N आ गया। अब बताइए यहाँ टेंजेंशियल फोर्स कौन है, स्लिपिंग फोर्स कौन है, 60 N है, अरे ये जो सरफेस के पैरेलल लग रही है ना, इसके अलावा कौन लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बताइए टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा है कि कम है, लिमिटिंग से ज़्यादा है, तो इस बार एक्सेलरेशन होगा, आइए एक्सेलरेशन करते हैं, तो अब बताइए यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, तो एक्चुअल जो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा कितना बताइए, 0.4 × 8 काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, तो कोफिशिएंट भी काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करेंगे, अच्छा, तो बर्बाद हो गया FL निकालना, बर्बाद नहीं हो गया, उसी से तो पता चला कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, समझ आ रही है बात, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में FBD बनाइए, 16 N आप लगा रहे हैं, 3.2 N अपोज कर रहा है, इक्वल टू 2 × a मास इंटू एक्सेलरेशन, अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हैं, सामने से फोर्स कितना दिया भैया, सामने से फोर्स दिया 16 N, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है भैया, 3.2 लग रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इससे ए आ गया आपका। उसके बाद आप नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लीजिए, F²+N² करके, F की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक वाली लिखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में लग रहा है कौन सा बताइए, काइनेटिक लग रहा है। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए जिसमें फ्रिक्शन कौन सा लगेगा पहले से पता नहीं था, पता करना पड़ा, एक में स्लिपिंग नहीं हुई थी तो स्टैटिक लेके किया, और एक में स्लिपिंग हो रही थी पता चला तो काइनेटिक लेके किया, दोनों के एक एक एग्जांपल कराए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। एक आदमी एक वेल के बीच में फंसा हुआ दीवारों का सहारा लेके, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द वॉल इज म्यू, तो कहता है आदमी दोनों दीवारों को किस फोर्स से धक्का दे रहा होगा, तो पहले आदमी की FBD बनाते हैं, तो मान लीजिए उसने दीवारों को अपने हाथ से और पैर से जो धक्का दिया फ्रंट वॉल को, वो मान लीजिए हमने दिया है N1,
और पीठ से जो धक्का दे रहा है पीछे वाले को उसको हम मान लेते हैं N2। पहले तो मुझे ये बताइए कि N1 N2 इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है नहीं, तो दोनों को NN मान लो फिर तो, हाँ है ना, तो 1 2 हटा दो ये। अब बताओ इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? MG लगेगा एक नीचे, और कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन गिरेगा, तो इधर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, इसको म्यू एन बोलेंगे, और इधर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, इसको भी म्यू एन बोलेंगे। ठीक, तो कितना फ्रिक्शन लग गया टोटल? 2 μN। और वो किसको रोक रहा है? MG को रोक रहा है, है? अरे बोलो। देखिए जहां भी मिनिमम वर्ड देखिए, मैक्सिमम वर्ड देखिए, जस्ट वर्ड देखिए, वर्ज वर्ड देखिए, तो समझिए वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज होगा। कम से कम कितना फोर्स लगा के अप्लाई करें कि टिका रहे? अगर आप अपना फोर्स कम करते जाइएगा तो आपके नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। कम से कम लगाना है कि आप टिके रहे, मतलब बताइए वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे हुए कि नहीं हुआ? पकड़ लीजिए अगर अंग्रेजी कमजोर है तो। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड जहां यूज हो जाए, वर्ज जहां यूज हो जाए, जस्ट वर्ड जहां यूज हो जाए, समझ लीजिए वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, आप बेयर मिनिमम लगा रहे हैं कि आप स्लिप ना करें, या आप बेयर मिनिमम लगा रहे हैं कि कोई चीज स्लिप कर जाए, हैं? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्लिपिंग के कगार पे हैं, और कगार का मतलब कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब हो गया, यहां से निकल जाएगा N का वैल्यू, MG/2μ होगा, दोनों दीवारों को MG/2μ से धक्का देगा वो। क्या ये क्वेश्चन हमने कल स्यूडो फोर्स वाले क्वेश्चन में किया था? मल्टीपल टाइम्स नीट में आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। ब्लॉक जा रहा है, बस जा रहा है, उस पर ब्लॉक टिका हुआ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच द ब्लॉक डजंट स्लिप, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। मिनिमम वैल्यू पूछ लिया, कम से कम कितना एक्सेलरेशन चला कि जस्ट गिरे नहीं, मतलब वर्ज ऑफ स्लिपिंग का केस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बनाया हमने FBD, देखिए गौर से FBD देखिए क्या क्या लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन आगे, स्यूडो फोर्स पीछे, क्योंकि हम बना रहे हैं किसके डायग्राम में, डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं? बस के रेस्पेक्ट में। बस कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा ना। नॉन इनर्शियल क्यों है बस? बस एक्सेलरेटेड है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स ले लिया। एक्स डायरेक्शन में बस के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, बस को तो रेस्ट में दिख रहा होगा वो, तो एन की वैल्यू MA0 के बराबर हो गई। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग लग रही है, तो μ·N हो गई, और वो MG का मुकाबला कर रही होगी, है ना। N निकल गया यहां से, ये N निकल गया, N निकल गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया बताइए? μN, और यही μN MG का बराबर कर रहा होगा, तभी तो रुका हुआ वो। तो N के जगह MA0 डाल दीजिए, वहां से A0 की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन नीट में, समझ गए? ये देखिए, मुश्किल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें डिसाइडेड नहीं रहता कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, अनडिसाइडेड रहता है, वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअली। इस क्वेश्चन को देखिए, XY प्लेन दिख रहा है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है XY प्लेन है वो लाल रंग से, ठीक, तो इसका मतलब जेड एक्सिस हो गया पेपर के परपेंडिकुलर, समझ में आई बात? अब देखिए कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एक लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक ऊपर से दबा रहे हैं 12 न्यूटन का फोर्स, ऊपर से दबा रहे हैं, समझ लीजिए ब्लॉक रखा हुआ आपके पेपर पे, ऊपर से दबा रहे हैं नेगेटिव जेड में, सही है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि ब्लॉक स्लिप ना करे। ब्लॉक का मास दिया हुआ 0.5 kg, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन सा फोर्स इस पे, पहले तो FBD बनाएंगे ना, आपको नहीं पता है ना। अच्छा, मिनिमम वर्ड बोल रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन यूज होगा? लिमिटिंग यूज होगा, समझ गए। अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, क्योंकि हमें दो चीजों की जरूरत है। एक हमें जरूरत है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की, और दूसरा हमें जरूरत है, उसके लिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए टेंजेंशियल फोर्स, सही है। तो चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, आप लोग मेरे को बताइए। देखिए 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है, अब आप देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो आपका नेट फोर्स हो जा रहा है वो जा रहा है 8 न्यूटन, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir.
ऊपर से नीचे की तरफ आपका नेट फोर्स 8 न्यूटन है एम जी को लेके और 3N को लेके, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स कितना बताइए, 6 न्यूटन का, फुली हाई है ना। तो ये दोनों मिलके वर्टिकल प्लेन में एक इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में आपको नेट टेंजेंशियल फोर्स देंगे, और ये नेट टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन होगा, यही स्लिप कराने की चेष्टा करेगा। बोले समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आपका 10 न्यूटन आ गया। अब बताइए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? क्या दीवार छोड़ के ब्लॉक ऐसे बाहर एक्सेलरेट कर रहा है, या दीवार तोड़ के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो दीवार के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होंगे उनके बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दीवार के परपेंडिकुलर कौन कौन से फोर्स हो गए बताइए, एक 12 न्यूटन हो गया और एक N हो गया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 12 न्यूटन हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन की लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, कैसे कह रहा है, क्योंकि मिनिमम वर्ड वही यूज हुआ है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक होता है, वो किधर लगेगा, नेट टेंजेंशियल फोर्स के विरुद्ध में लगेगा, हाँ या ना। कितना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू एस पता है क्या? नहीं, वही निकालना है, म्यू एस ही निकालना है। तो म्यू एस निकालना है तो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू 12 रख दीजिए, और ये दोनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो इसका मतलब म्यू एस इंटू 12 की वैल्यू जो हो गई वो 10 के बराबर हो गई। तो म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताइए, 5/6 के बराबर हो गई। बोली समझ में आया? जल्दी से एक कंसेप्ट समझते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए आप एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई हिंज वगैरह लगा हुआ है, आप इसको लगातार ऐसे करके उठा सकते हैं, उठा के इंक्लाइनेशन बढ़ाते जा सकते हैं। इस पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, अब आप इसको उठाते जाइए, ब्लॉक नहीं गिरेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, उठाते जाइए, एक पॉइंट आएगा, एक एंगल आएगा जहाँ पे जाके ब्लॉक नीचे स्लिप करने के कगार पे आ जाएगा, ये करने लगेगा। उस एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज इज व्हाट? इट इज द मिनिमम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इट इज द मिनिमम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल टू विच एन इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी रेज, कि उस पर रखा हुआ ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। जब वर्ड स्टार्ट्स आ गया, अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस यहाँ लेके चलेंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज को हमने थीटा से दिखला दिया, याद रखिए एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन को मैं अल्फा से दिखला रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये वेरी कर रहा है और ये कांस्टेंट नहीं है, ये आ गया, मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जिस पे स्लिपिंग शुरू हुई है। तो अल्फा का एक पर्टिकुलर वैल्यू है थीटा, ठीक। हाँ सुनिए, अब FBD बनाइए। अब मैंने नॉर्मल बनाया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। हाँ। बोले होगा कि नहीं होगा? अरे इंक्लाइन प्लेन है ना भाई। हाँ। अरे होगा कि नहीं होगा? तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, आपको पता है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया ये। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, है? अरे इन दोनों को बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर आएगा। तो टेन थीटा आ गया, देखिए म्यूस के बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यूस आ गया, एम जी तो कट गया ना। अरे कुछ बोलोगे? समझ में आ रहा है? हैं? तो एंगल ऑफ रिपोज हो गया टेन इनवर्स म्यू के बराबर, या टेन इनवर्स म्यूएस के बराबर अगर प्रॉपरली कहेंगे तो, ठीक। यहां तक का डेरिवेशन समझ में आया? अब इसको करते क्यों ड्राइव, ये समझिए, सीधी बात है, अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, खाली इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को अपने एम जी साइन अल्फा के वजह से ही स्लिप करना है खुद से, तो तब तक नहीं करेगा जब तक आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, अगर आपका एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होगा तो ब्लॉक खुद से स्लिप नहीं करेगा, ठीक। तो जब आपको प्रॉब्लम दे तो आपको ये सोचना है कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है कि छोटा है। देखिए अगर एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, देखिए आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया रहेगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, और आप टैन इनवर्स लेके थीटा तो नहीं निकाल सकते, तो आप थोड़ा मैथमेटिकली दूसरा जुगत लगाइए। क्या लगाइए मैं बताता हूँ,
अगर अल्फा थीटा से कम है, रिपोज से कम है, तो टैन अल्फा टैन थीटा से कम होगा। हाँ। और टैन थीटा म्यू एस के बराबर होता है, हमने पढ़ा अभी। हाँ। तो आप कंपेयर किसको कीजिएगा, आप अल्फा और थीटा मत कंपेयर करिए, क्योंकि थीटा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको म्यू एस मिला रहेगा। हाँ। अगर म्यू एस मिला है तो थीटा कैसे निकलेगा, टैन इनवर्स म्यू एस से निकलेगा। हाँ। टैन इनवर्स लेने के लिए आपके पास लॉग टेबल होगा नहीं, इनवर्स टेबल होगा नहीं, तो आप कंपेयर किसको कीजिए, जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है उसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, बताइए, म्यू एस से। ये कंपैरिजन करना है, उसके टैन अल्फा को कंपेयर करना है म्यू एस से। समझ में आ रही है बात? अगर वो टैन अल्फा म्यू एस से कम या बराबर है, कम है या बराबर, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, तो किसके बराबर लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स के बराबर। टेंजेंशियल फोर्स कौन है स्लिप कराने वाला, एम जी साइन अल्फा, सही है। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स फिर से निकाल लीजिए। इंटरेस्टिंगली ठीक, अब इस केस में नेट कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए कितना होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा आपका एम जी कॉस अल्फा, और फ्रिक्शन आपका हो गया एम जी साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है। एम जी कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी आपकी आर की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी इस केस में। अरे तो आनी है ना। ये बताओ, ब्लॉक के ऊपर नेट नेट दो एजेंट्स हैं फोर्स देने वाले, एक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी दे रहा है, दूसरा सरफेस दे रहा है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, और ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एमजी के बराबर हो जाएगा, कॉमन सेंस है। अगर आपका टेन अल्फा म्यू एस से बड़ा आता है तो एक्सेलरेट करेगा, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो भैया नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, जो स्लिप करा रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है mg sin अल्फा। अरे बाबा कौन सा फोर्स स्लिप करा रहा है इसको, mg sin अल्फा। रोक कौन रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, कि mg sin अल्फा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, mg sin अल्फा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस बार आपका फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताइए, ऑब्वियसली लिखा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी म्यू के मल्टीप्लाइड बाई mg cos अल्फा। उसके बाद आप नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लीजिए अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन के स्क्वायर से। बोलिए समझ में आ रहा है, ये आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। एम जी कॉस अल्फा इसमें भी कॉमन मिलेगा आपका, ठीक है। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ आइए, दिख रहा है ब्लॉक, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जो भी स्लिप करना है इंक्लाइन प्लेन की वजह से करना है, है कि नहीं। एक्सेलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना, सबसे पहले हमने क्या किया, टैन अल्फा निकाला। टैन अल्फा किससे कंपेयर किया, म्यू एस से। टैन अल्फा टैन 37 होगा, टैन 37.75 होता है, 3/4 होता है, म्यू एस से कम आ गया। ये बताइए स्लिपिंग होगी, टैन अल्फा म्यू एस से कम है, नहीं होगी, तो नो स्लिपिंग का मतलब एक्सेलरेशन तो ऐसे ही पता चल गया, जीरो हो गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब आइए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो भैया जितना भी इसका एम जी साइन 37 लग रहा हो निकाल लो, सो 2g साइन 37, साइन 37 3/5 डाल दो, 12 न्यूटन आ जाएगा इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आ गया, 12। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, लेकिन ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब एक्सेलरेट नहीं करेगा तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होगा। लेकिन इस बात को याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ रिपोज वाला फंडा वही लगाना जहां इंक्लाइनेशन के अलावा स्लिपिंग में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई दूसरा फोर्स नहीं घुस गया, कोई धक्का नहीं दे रहा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, स्लिपिंग का होना या ना होना केवल इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा हो जहां, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी केस में अगर मैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए कर देता आपका 0.3 तो स्लिप कर जाता, अगर 0.3 कर देता है ना, हाँ। सही है, या इवन 0.6 ही ले लेता तो भी स्लिप कर जाता, तो फिर आप क्या करते, तो आप पहले निकालते काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना निकालते काइनेटिक फ्रिक्शन, 0.6 इंटू 2g cos 37। अरे भैया अभी तो बताया था नॉर्मल रिएक्शन mg cos अल्फा होता है, तब आप फ्रिक्शन निकालते और उसके बाद फिर आप एक्सेलरेशन निकालते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना है ना, म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू 0.6 ले लेना, ठीक, और आप इस क्वेश्चन को रिपीट करना, तो आपको निकालना होगा एक्सेलरेशन, आपको निकालना होगा फ्रिक्शन फोर्स, और आपको निकालना होगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तीनों निकालना होगा, तो अगली क्लास में करके लाना, आज के डेट में तो इतना ही करेंगे। नीट लेवल के क्वेश्चन यहाँ तक जो पढ़ाएं इससे बन जाने चाहिए सारे के सारे, अभी तक जो पैटर्न चल रहा है
इसके बियॉन्ड नीट लेवल में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। आज यहीं तक।